ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ये अपोजिशन बैठी हुई है, ये पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। ये जहां कहीं भी पावर्स में है वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर। एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर गवर्नमेंट के इशारों पर चलने वाला है, उसके मातहत चलने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस को वो चाहते हैं कि इसको नाकाम करें, वो चाहते हैं कि आपकी आवाज़ उठ ना पाए। ये आवाम की सियासी तहरीक है, इस तहरीक ने अपनी जद्दोजहद से और कानून के फ्रेम में रहते हुए कानूनी दरवाज़ों को खटखटाने का जब चैलेंज किया, आवाम को उनके मकसद तक, उनके मनसब तक या उनके हुकूक तक का पहुंचने से रोकी रही है। आवाम के अंदर जिस तरह की बेचैनी बेकरारी है कि बारहा बार ये जो शेड्यूल किया गया है ये कॉन्फ्रेंस का, मैं उनसे इस बात का, इस मामले का खुलासा ये करना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जमहूरी निज़ाम में और क़ानून की चौखट में रह कर के काम करने का एक नाम है, ताकि ये जितनी भी सियासी जमातें हैं ये हमेशा से ही अवाम का इस्तेहसाल की हैं और अवाम को उनके मकसद तक, उनके मनसब तक या उनके हुकूक तक का पहुंचने से रोकी रही है। तो इन सभी को ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस से ये खौफ लगा है। कर्नाटक भर में जब SDPI ने ऐलान किया, ये तभी से शुरू हुआ है, ये प्रेशर बिल्ड करने का काम किया है एडमिनिस्ट्रेशन पर, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पर, इन्होंने दबदबा कायम करके इनसे काम लेने की कोशिश की है। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये आवाम की सियासी तहरीक है, इस तहरीक ने अपनी जद्दोजहद से और कानून के फ्रेम में रहते हुए कानूनी दरवाज़ों को खटखटाने का जब चैलेंज किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको मानते हुए आज हमें 31 जुलाई को ठीक 2:30 बजे का इन्होंने परमिशन दिया है। मैं अवामुन्नास से ये गुजारिश करता हूँ, आपको इख्तदार पर पहुँचना है, आपके मसाइल को हल करना है, इन पर निर्भर करना छोड़ दीजिए, इनके पीछे भागना छोड़ दीजिए, अपनी आवाज़ अपने हाथ और अपने कदम आगे बढ़ा करके उन ऐवानों तक पहुंचाया जा सके, ताकि आपके हुकूक आपको मिल सके, आप पुरमन ज़िंदगी गुजार सके, आप तरक्की याफ्ता ज़िंदगी गुजार सके। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, ये अपोजिशन बैठी हुई है, ये पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। ये जहां कहीं भी पावर्स में है वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर। हमें ये चैलेंज हुआ है यहाँ शहर में, लेकिन मैं ये मानता हूँ ये चैलेंजेस हमारे लिए इनाम है। हम ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए अवाम को उस मनसब तक का पहुंचाएंगे, अवाम के हुकूक को वहां तक का पहुंचाएंगे जहां उनकी सुनवाई होती हो, जहां उनकी बालादस्ती होती हो। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने अवाम के अजायम को टूटने नहीं दिया है, हौसलों को टूटने नहीं दिया है, अपने अजायम को पुख्ता करते हुए इनकी इमदाद से, इनकी मदद से, इनके ताउन से, इनकी दुआओं से हमने हर कदम को आगे बढ़ाया है। मैं अवामुन्नास से दर्दमंदाना अपील करता हूँ, जबकि हम आपकी जद्दोजहद के लिए हम हमेशा पेश हो रहे हैं, तो आपकी भी गुजारिश है, इस कॉन्फ्रेंस को वो चाहते हैं कि इसको नाकाम करें, वो चाहते हैं कि आपकी आवाज़ उठ ना पाए, आम आदमी की आवाज़ उठ ना पाए, जनार्दन जिसे कहा जाता है उसकी आवाज़ को दबाया जाए। तो हम इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए बड़े जोश व खरोश के साथ, बड़े हौसले और हिम्मत के साथ उठे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं, शहरियाने गुलबर्गा से अपील करता हूं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हम हमारे देश को, हमारे इलाकों को, हमारे शहरों को अमन से नहीं भर सकते? क्या हम हमारे हुकूक को हासिल नहीं कर सकते? BR अम्बेडकर साहब का कानून ने हमें पूरी तरह से हक दिया है, हम अपनी आवाज़ को भी बुलंद करेंगे। मुमकिन है अवाम के जो नुमाइंदे होंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो बिल्कुल कामयाब और कामरान और सही अंदाज से जो ज़रूरत है वक्त के तकाज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और ऐवानों में पहुंचेंगे। मैं अपील करता हूं आप लोगों से कि आप, संडे का दिन है, 31 जुलाई है, 2:30 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होने को है,
मर्द हो, ख़वातीन हो, स्टूडेंट्स हो, आइमा उलमा हो, दानिश्वरान हो, मैं सभी से अपील करता हूं कि आप कसीर तादाद में आएँ ताकि इनको इस बात का एहसास दिलाया जा सके कि जमहूरियत आज भी ज़िंदा है, कानून की बालादस्ती आज भी हो सकती है, कानून के नज़रियात को हम आम लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप कसीर तादाद में आ करके इस जलसे आम को कामयाब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम में एक तरीके से कन्फ्यूजन, एक तरीके का सवालों का लिस्ट अवाम के पास है कि आखिर क्यों SDPI के प्रोग्राम को इतना पोस्टपोन किया जा रहा है। मैं बस आप तमाम से ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक में दो तीन जगह जहाँ कहीं भी ये पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस हुआ है उसके इफ़ेक्ट बोल सकते हैं आप, ये कि उसकी जो कामयाबी है उससे एडमिनिस्ट्रेशन बोल लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर गवर्नमेंट के इशारों पे चलने वाला है, उसके मातहत चलने वाला है, तो उसका जो पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस का जो इफ़ेक्ट था, उसका जो सक्सेस था, उसकी वजह से ये लोग इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए हैं, उस वजह से बार बार मुलतवी करना चाह रहे थे, हम लोग की हिम्मत को पस्त करना चाह रहे थे। मगर SDPI अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जमात है जो पब्लिक को, पब्लिक की आवाज़ ऐवानों तक पहुंचाने का काम करने चाहती है। ये मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप 31 जुलाई संडे के दिन 2:30 बजे इस प्रोग्राम में आके, कसीर से कसीर तादाद में आके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। ये प्रोग्राम आप ही के लिए रखा जा रहा है। इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा आकर इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब बनाइए।